अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ ज़ैनब अली फ्रॉम ज़ैनब कुक हाउस। तो काफ़ी दिनों बाद मैं आपके लिए एक ऐसा वीडियो लेकर आई हूँ जिससे देख के आपका दिल खुश हो जाए। सो दिस वीडियो इज़ फ्रॉम जयपुर। सो लास्ट मंथ इरफान हैज़ विजिटेड दिस प्लेस एंड ही डिस्कवर्ड अ रेस्टोरेंट दैट इज़ अल हबीब टेक अवे, जहाँ पर मिलता है चिकन चंगेज़ी ट्रेडिशनल स्टाइल। सो जयपुर का जब बात होता है तो सभी को ये लगता है कि जयपुर इज़ ओनली फेमस फॉर लाल मांस, दाल बाटी या फिर चूरमा लड्डू या फिर घेवर, बट इसके अलावा नॉन वेज के लिए यहाँ पे एक बहुत बड़ा हब है। सो दिस इज़ बिहाइंड हवा महल। सो इनके पास बहुत सारी वेराइटीज़ है, यहाँ पे तंदूर आइटम्स भी बहुत है, बटर चिकन भी बहुत है, इतनी वेराइटीज़ है। बट सबसे फेमस जो है, जो मुंबई तक लोगों को पता है, दैट इज़ चिकन चंगेज़ी, बिकॉज इनका जो बनाने का स्टाइल है वो बहुत ही डिफरेंट है। सो हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से बनाया जाता है चिकन चंगेज़ी। तो अल्हम्दुलिल्लाह 12 साल लोग कंप्लीट हो गए। 12 साल जी, माशाल्लाह। यहाँ पर वैरायटी का है, क्रीम बटर के अंदर चिकन चंगेज़ी है, चिकन टिक्का है, चिकन फ्राई है, चिकन टिक्का मसाला, ये 5 आइटम अपने फेमस है माशाल्लाह। एयरपोर्ट से रहेगा ये 11 किलोमीटर और रेलवे स्टेशन से रहेगा ये 5 किलोमीटर। ये अपना लोकेटेड है MT रोड, मोती डुंगरी रोड नियर अल्बर्ट हॉल, अपोजिट मुस्लिम मुसाफिर का है ना। जी, स्विगी जोमेटो। सो पहले आपको चिकन को वॉश कर लेना है। सो यहाँ पे आपने देखा किस तरीके से कट लगाया हुआ है। सो ब्रेस्ट पार्ट हो या लेग पार्ट हो, यहाँ पे आपको डीप गैशेस करने हैं इसमें, ताकि इसका जो मसाला है वो बहुत अच्छी तरीके से अंदर जाए। सो देखिए, गरम मसाला ऐसा है कि गरम मसाले का क्वांटिटी जो होता है ना, हमेशा ब्लैक पेपर ज़्यादा होता है, जीरा थोड़ा ज़्यादा होता है, लौंग का क्वांटिटी हमेशा कम होता है, जितना काली मिरी होती है उसका हाफ से भी कम लौंग होता है, बिकॉज लौंग जो है वो स्ट्रॉन्ग फ्लेवर रखता है। ये यहाँ पे इन्होंने खड़े मसाले को अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। ये दही है। सो बेसिकली जो प्रिपेरेशन हो रहा है वो तंदूर का प्रिपेरेशन हो रहा है। इसका फर्स्ट जो मैरिनेशन होगा वो तंदूर, चिकन तंदूरी होगा, उसके बाद इसकी ग्रेवी बनेगी। तो दही है, यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर है। सो सिंस ये रेस्टोरेंट स्टाइल है तो इसमें फूड कलर भी जाएगा। ये है गरम मसाला, थोड़ा सा इसके अंदर केवड़ा वाटर डाला है, थोड़ा सा कसूरी मेथी डाला है, इसको आपको अच्छे से मिला लेना है। ये है जिंजर गार्लिक पेस्ट, ओके। सो इसके बाद इसमें इन्होंने डाला है थोड़ा सा हल्दी। सो गाइज, दिस इज़ अ मेकिंग, दिस इज़ नॉट अ रेसिपी, मेकिंग है। आपको एक आइडिया मिलेगा कि किस तरीके से रेस्टोरेंट में ये सब चीज़ें बनाई जाती है। इसके बाद इसमें क्या था, सॉल्ट, आपको इसे अच्छे से डाल देना है। इसमें थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर भी जाएगा और गरम मसाला भी जाएगा, ठीक है। ये गया आपका फूड कलर, इसको आपको अच्छे से मिक्स कर लेना है और चिकन में लगा लेना है। सो चिकन को हमेशा मैरिनेट करना जो होता है वो होता है ओवरनाइट, बट अगर आपके पास ओवरनाइट टाइम नहीं है तो मिनिमम 2 घंटे के लिए आप हमेशा चिकन को मैरिनेट करिए। अब इसको आपको अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये इतना ऑरेंज और रेडिश इसलिए दिख रहा है बिकॉज इसमें फूड कलर है, बट अगर आप घर पे बना रहे हो तो आप फूड कलर इसे अवॉइड करें, और बहुत अच्छी क्वालिटी का कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर आप यूज़ कर सकते हैं इफ़ यू आर एलर्जेटिक टू फूड कलर। अब तंदूर नहीं है तो आप गैस पर भी इसे थोड़ा सा बारबेक्यू कर सकते हैं, सिंस ये आपको इतना टेस्ट तो नहीं देगा बारबेक्यू वाला, बट थोड़ा बहुत दे देगा, ओके। तो अब आपको इसे सेक लेना है 50%, बिकॉज 50% ही ये ग्रेवी में पकेगा, ओके। सो हर चीज़ का एक तरीका होता है, आप तरीका ज़रूर फॉलो करें, आपको देख के से अंदाज़ा होगा कि अंदर से बिल्कुल कच्चा है। अब यहाँ पे ग्रेवी का होगा प्रिपेरेशन। सो तेल ले लेना है, खुला तेल। खुला तेल का मतलब ये होता है कि काफ़ी सारा तेल होता है। इसके बाद इसमें जाएगा बॉइल्ड अनियन का पेस्ट। आपको अनियंस को, कांदे को, प्याज को आपको अच्छे से बॉईल कर लेना है, उसे ठंडा करना है और आपको उसे ग्राइंड कर लेना है एक फाइन पेस्ट में। अब आपको इसे इतना भूनना है जब तक कि इसका पूरा मॉइस्चर जो है अनियंस का ख़त्म ना हो जाए। इसके बाद इसमें जाएगा कसूरी मेथी। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप 1 किलो का कसूरी मेथी, 1 किलो का चिकन बना रहे हो तो इसमें जाएगा 1/4 टीस्पून कसूरी मेथी, ठीक है। क्योंकि कसूरी मेथी आपको ज़्यादा नहीं डालना है, डिश ख़राब हो जाएगा। ये गया आपका टमाटो का ग्रेवी। सो ये बेसिकली टमाटो है, इसमें 2 ग्रेवी उन्होंने डाला है। तो एक जो है वो काजू और गरम मसाला क्रीम का पेस्ट है, जो रेड कलर है, 2 रेड कलर रहेगा, एक टमाटो का रहेगा। नॉर्मल टमाटो को बॉयल करना है, उसके बाद आपको वो डाल देना है। अब ये जो गया है वो काजू का पेस्ट, ये इनकी सीक्रेट रेसिपी है, तो मैंने आपको एक आइडिया दे दिया है जिसपे क्रीम, काजू, ये सारी चीज़ें आपको डाल के, फूड कलर डाल के उसे ग्राइंड कर लेना है। अब ग्रेवी को आपको बहुत देर तक पकाना है, जब तक कि इसके बॉइल्स जो है वो ख़त्म ना हो और इसका मॉइस्चर जो है वो पूरा
डिसअपियर ना हो जाए। सो ये जो है बहुत ही मुश्किल डिश नहीं है, बट टेक्निकली आप बनाओगे तो आपको बहुत ज़बरदस्त लगेगा और बहुत मज़ा आएगा। चिकन ऐड करने के बाद, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 50% आपको चिकन पहले कुक करना था तंदूर पे और 50% आपको यहाँ पे होगा, तो इससे क्या होगा कि ये ओवर कुक नहीं होगा। इसके ऊपर और थोड़ा ऑयल डालना है। अगर आपके पास घर पे ये तवा नहीं है, यू कैन मेक इन कढ़ाई ऑल्सो, नॉट एन इशू। इसमें थोड़ा सा शिमला मिर्च जाएगा, फॉर एग्ज़ाम्पल 1 किलो के उसमें 1 शिमला मिर्च जाएगा, या एक मतलब एकदम छोटा वाला, ठीक है। अब ये हो गया आपका चिकन चंगेज़ी रेडी। सो गाइज़, बहुत दिनों बाद ये वीडियो हमने डाला है आप ही के लिए। रमज़ान आ रहा है और अगर आपको कुछ फुल रेसिपी चाहिए तो आप ज़ैनब कुक हाउस इंस्टाग्राम पेज पे जाइए, वहाँ पे आपको अच्छी अच्छी रेसिपीज़ मिलेगी जो डिटेल में लिखी हुई है। यहाँ पे इरफान ने शूट किया था एंड सो वी टेस्टेड, तो उसको बहुत पसंद आया था। सो गाइज़, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि जयपुर की अल हबीब टेक अवे की चिकन चंगेज़ी आपको देखने में कैसे लगी, ठीक है। मुझे आपका कमेंट का इंतज़ार रहेगा। मिलती हूँ नेक्स्ट मेकिंग के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।